चंदन कुमार प्रेपरल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऐसे भारतीयों के नामों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को जीता है। याद रखेंगे, अब तक कुल 11 ऐसे भारतीय है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को जीता है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार को गिना जाता है और वर्ष 1901 में इसे देने की शुरुआत हुई। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनके द्वारा दान की गई संपत्ति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व युद्ध के कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु वर्ष 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिया जाता है। अब तो हाल के समय में 3-3 लोगों को क्या है, एक साथ एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो भी किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक मशहूर रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। तो याद रखेंगे, एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। दूसरे भारतीय हुए साथियों सीवी रमन। याद रखेंगे, ये महान वैज्ञानिक है और सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे, सीवी रमन के खोज को रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, इनका जो शोध था प्रकाश के परिक्रमण पर उनके कार्य के लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगले जो व्यक्ति है, याद रखे हरगोविंद खुराना। याद रखे हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। आपको बता दें कि हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और कार्य की व्याख्या के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगले व्यक्ति रहे मदर टेरेसा। याद रखेंगे, बहुत खास नाम है साथियों। याद रखें, मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मदर टेरेसा गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा करती थी और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। अगले व्यक्ति है साथियों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद रखें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक है। वर्ष 1983 में 1983 को इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखें, इन्हें यह नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि इनके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों को समझाने के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले व्यक्ति है साथियों अमर्त्य सेन। बहुत खास है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखें, अमर्त्य सेन वो पहले ऐसे भारतीय है जिन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला साथियों? सामाजिक विकल्प, कल्याण, वितरण और गरीबी। याद रखेंगे, इसे मिटाने के लिए इन्होंने जो थ्योरी दी थी, याद रखेंगे, या उसे कहें अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसे विश्व के स्तर पर माना गया और अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बता दें साथियों अगले व्यक्ति है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। याद रखेंगे, ये एक लेखक है और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, किसे, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें वीएस नायपॉल के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2001 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले व्यक्ति है साथियों राजेंद्र के पचौरी। याद रखेंगे, राजेंद्र के पचौरी को वर्ष 2007 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। इन्हें भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। राजेंद्र पचौरी भारत के ही नहीं वर्ल्ड के बहुत बड़े पर्यावरणविद थे और इन्होंने आईपीसीसी संस्था और टेरी नामक संस्था का संचालन भी किया।
आईपीसी संस्था के जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से संचालन किया और दुनिया में जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण को लेकर के कई प्रकार की दिक्कतें आ रही, उसे दूर करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इन्हें संस्था के माध्यम से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले व्यक्ति है साथियों वेंकट रामन रामकृष्णन, याद रखना वेंकट रामन रामकृष्णन, वर्ष 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और इनके द्वारा जो है राइबोसोम की संरचना को समझाने में, राइबोसोम की जो संरचना है उसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले व्यक्ति है साथियों कैलाश सत्यार्थी, याद रखें कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में मलाला यूसुफ जई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा भारत में बाल अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। अगले व्यक्ति है साथियों अभिजीत बनर्जी, याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में क्या है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, खासकर गरीबी से लड़ने के लिए इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की वजह से। याद रखें अभिजीत बनर्जी और दो अन्य लोगों के साथ इन्हें क्या है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 11 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, और खास बात है कि 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने उन महत्वपूर्ण भारतीयों की चर्चा किया जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।